केवी टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। केवी टेक्निक्स लाए आपके लिए लेटेस्ट व महत्वपूर्ण जानकारी। इस प्रकार की जानकारी अगर सीधे प्राप्त करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल है उस पर क्लिक कीजिए। साथियों, बिना समय गवाए जानकारी स्टार्ट करते हैं। साथियों, छुट्टियों को लेकर बड़ी खबर। दशहरे से दीपावली तक 24 दिन की रहेगी छुट्टियां। सदन में हुआ प्रस्ताव पास, ऐसी खबर वायरल हो रही है। इसमें क्या सत्यता है, कितनी सच्चाई है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। दशहरे से दीपावली तक 24 दिन की रहेगी छुट्टियां, ये बड़ी खबर भोपाल से लगी है। आइए देख लेते हैं। विगत मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में बच्चों को त्योहारों पर उत्साह एवं आनंद पूर्वक मनाने हेतु ध्यान आकर्षित करवाने पर माननीय द्वारा संकल्प पारित किया था कि शिक्षा विभाग में दशहरे से दीपावली तक अवकाश होना चाहिए। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने माननीयों के संकल्प का स्वागत करते हुए कहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा में दशहरा दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 4 दिन व दीपावली 25 से 30 अक्टूबर 6 दिन कुल 10 दिन का अवकाश घोषित कर रखा है। माननीय द्वारा पारित संकल्प अनुसार आदेश जारी करने से अवकाश में कुल 11 दिन अतिरिक्त 3 रविवार पृथक अवकाश से माननीयों के संकल्प का सम्मान तो होगा ही, हमारी संस्कृति की रक्षा के साथ बच्चे स्वच्छंद होकर त्यौहार का आनंद भी ले सकेंगे। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ माननीय श्रीमान कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री प्रभुराम चौधरी, शिक्षा मंत्री स्कूली शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण समी, स्कूली शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल से मांग करता है कि दशहरा दीपावली के लिए एकमुश्त 24 दिन का अवकाश हेतु संशोधित आदेश जारी कर माननीयों के संकल्प व संस्कृति का सम्मान करने का कष्ट करें। दोस्तों, अब हम जो जानकारी वायरल हो रही है वो भी देख लेते हैं। सरकार की मंशा जरूर है कि त्योहारों पर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जावे। तभी कुछ समय पहले एक आदेश निकाला गया जिसमें त्योहारों के तुरंत बाद परीक्षा आयोजित नहीं की जावे। दो बड़े त्योहार दशहरा और दीपावली धार्मिक रूप से भी बड़े त्योहार हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर इन बड़े त्योहारों के साथ काम की भी अधिकता रहती है, जिसके कारण छुट्टियां बढ़ाना लाजमी है। मध्य प्रदेश में इस साल 2019 में दीपावली की छुट्टियां कितने दिन की होगी, इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किया गया था जिसमें लिखा था कि स्कूलों में पहले जैसे दशहरे से दीपावली तक 24 दिन की छुट्टियां होनी चाहिए। विधायक संजय यादव ने प्रस्ताव रखा था कि रिमाइंडर भी लिखा था और कहा था कि अशासकीय संकल्प में वर्गीय विधायक संजय यादव ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे समाज में लोगों का जुड़ाव कम हो रहा है, हमारे जो तीज त्यौहार हैं संस्कृति है उसमें भावी पीढ़ी दूर होती जा रही है, पढ़ाई तो एक बोझ की तरह हो गई है जिसमें थोड़े दिन के अवकाश से त्योहारों का सही आनंद बच्चे नहीं ले पाते हैं। कई लिहाज से यह सही नहीं है और इसमें बढ़ोतरी के साथ बदलाव की जरूरत ही। इस तरह के बदलाव से बच्चों का जुड़ाव बेहतर हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई पर वेकेशन वाले दिनों का असर न हो, शैक्षणिक कैलेंडर इस अंदाज से तैयार किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। विधायक संजय यादव ने पिछले दिनों इस बाबत रिमाइंडर भी लिखा है। स्कूली शिक्षा विभाग देरी कर रहा है आदेश निकालने में। अब स्कूली शिक्षा विभाग को इस प्रस्ताव के आधार पर अवकाश घोषित करना है, परंतु समय पर काम न करने की आदत के अनुसार स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में भी कोई घोषणा नहीं की। गौरतलब है कि अभी स्कूलों में दशहरे के समय 3 दिनों का अवकाश रहता है, इसी तरह दीपावली के समय भी 5 दिन अवकाश होता है, होली के समय 3 दिन की छुट्टियां और इसी तरह अवकाश का कैलेंडर भी है। त्योहार की छुट्टियों के तुरंत बाद कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए और इसके आदेश निकाले गए हैं। दीपावली दशहरा में अवकाश दिवस बढ़ाने के अलावा यह भी प्रस्ताव दिया गया कि होली जैसे त्यौहार के बाद कोई भी परीक्षा तुरंत नहीं होनी चाहिए। होली के बाद बच्चों को पेपर की तैयारी करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का वक्त मिलना चाहिए। इसमें न केवल मानसिक दबाव कम होगा बल्कि इससे परिणाम भी भविष्य में बेहतर आ सकते हैं। विधायकों को इस तरह के प्रस्ताव को मानना भी है। यदि मध्य प्रदेश सरकार इनको स्वीकार करती है तो CBSE में इस तरह की वैकेशन प्रणाली लागू की जा सकती है जो पूरे देश के छात्रों के लिए हितकारी होगी। वैकेशन पीरियड बढ़ाने को लेकर कई तरह के तर्क भी दिए गए हैं।
दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।